विशाल, ये गाड़ी देख रहे हो? बिल्कुल न्यू अराइवल है, ऑडी ए 2019। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? जो इस कार को सेल करेगा उसे 50,000 रुपये कमीशन मिलेगी। कितना? 50,000 रुपये। और उसे इस ब्रांच का सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा। ये कार जो भी लेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा, क्योंकि ये कार है ही इतनी शानदार। सर जरा सुनिएगा, क्या यही ओडी ए 2019 है? सर वो पूरे 1.5 करोड़ की कार है, और मुझे शायद लगता है इसके लिए आपको ये सोचना भी गलत हो। ठीक है, पर क्या मैं इसे अंदर से देख सकता हूँ? देखिए सर, मैं सच में आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं अपना समय खराब करना चाहता हूँ। हाँ सर, आप ज़रूर देख सकते हो। ज़रा मुझे चाबी लाने दीजिए। ये आदमी सिर्फ टाइम पास करेगा, ज़रा उसकी हालत तो देखो। देखो जैसा दिखता है हमेशा वो ऐसा होता नहीं है। वैसे भी वो एक कस्टमर है, तो मेरा ड्यूटी है कार दिखाना, चाहे वो ले या ना ले। सर क्या आप गाड़ी को बिना टच किए चुपचाप खड़े रह सकते हैं? इसे साफ़ करने के लिए आदमी लगते हैं, समझ रहे हैं ना? क्या यही ओडी ए 2019 है? बिल्कुल। कैसी लगी ये गाड़ी आप? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैं ऐसा ही गाड़ी ढूंढ रहा था। हाँ सर, मैं अभी चाबी लेकर आया, अगर उसके बाद चाहो तो आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। नहीं, मुझे जो देखना था मैं देख चुका हूँ, मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ। आप अपना पेपर वर्क चालू कीजिए। दोस्त तुमने ज़रा देर कर दी। ये है मिस्टर विकास सिन्हा, और ये इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। चलिए सर फिर अंदर चलते हैं। सर प्लीज देखिए। सर मैं एक लोन अप्रूवल के लिए मेल कर दे रहा हूँ, उसके बाद गाड़ी आपकी। क्या हुआ? सर एक्चुअली लोन आपका डिक्लाइन हो गया है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। सॉरी सर, लोन आपका डिक्लाइन हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, कैश भी हम एक्सेप्ट करते हैं। 1.5 करोड़ कैश, इतना तो मैं 20 साल में भी नहीं कमा सकता। ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपने जो कपड़ा पहना है ये ब्रांडेड है और महंगा भी। डेनिम 11,000 से 12,000 रुपये की। यस, मैं जानता हूँ सर, आप इस कार को खरीद सकते हैं। कपड़ों में मत जाइए, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। सोसाइटी मेंटेन करने के लिए ये सब करना पड़ता है। 0 to 100 km ओनली इन लेस देन 6 सेकेंड। दिस थिंग प्रोड्यूस 340 horsepower एट 5000 rpm। वाओ, बहुत नॉलेज रखते हो आप। हाँ सर, मैंने अपना होमवर्क किया है। बहुत बढ़िया, अपने काम के प्रति सबको लगन रखनी चाहिए। पता है मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे जैसे गरीब दिखने वाले लोगों पर अपना टाइम खराब कर रहे हो, जबकि पता है आपको कि ये गाड़ी वो खरीद नहीं सकता। नहीं सर, आप यहाँ एक कस्टमर हो और मेरी ड्यूटी है कि मैं कार दिखाऊँ आपको। सर एक्चुअली यहाँ एक सेल्स मैनेजर की पोजीशन खाली है, अगर मैं अचीव कर सकता तो अपने खर्चे को मेंटेन कर सकता हूँ। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। सर ये लॉन्ग व्हील बेस कार है, क्या तुम्हारी कार बिक गई? नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं। मैं ये कार खरीद रहा हूँ। ओह रियली सर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। रुको रुको, इनका लोन पास नहीं हो सकता है, इनकी हालत तो देखो जरा। लोन? आपको लोन के बारे में किसने कहा? मैं तो अभी नगद ले रहा हूँ। इतने पैसे आपको कहाँ मिले? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और कई देशों में मैं कोयला लीगली एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं चाहूँ आपकी शोरूम की सारी गाड़ियाँ अभी के अभी खरीद सकता हूँ। और मैंने अपना पहनावा इसलिए सिंपल रखा क्योंकि लोग मुझे देखकर बातें करें, ना कि मेरे कपड़ों को। वैसे मेरे दोस्त, मैं इस शोरूम के ऑनर को जानता हूँ, मुझे यकीन है
आपसे अच्छा मैनेजर उन्हें नहीं मिल सकता। बेफिक्र रहो, मैनेजर तुम ही बनोगे, बस पार्टी पे बुलाना। और मुझे यकीन है ऑनर आपको भी जानता होगा, क्योंकि आपका ध्यान आपके काम से ज़्यादा दूसरों के कपड़े पर रहता है। अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, किसी भी किताब को उसके ऊपर के कवर देखकर उसे जज नहीं करनी चाहिए।